बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, कॉलर होम स्कूल में पहुंचेंगे और मतदान केंद्र पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, बूथ संख्या में 15004 में अपना वोट डालेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। गृहमंत्री यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पहुंचे, रक्षा मंत्री भी आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, कॉलर होम स्कूल में जाएंगे और अपना मताधिकार करेंगे, मतदान करेंगे। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, रक्षा मंत्री पहुंचने वाले, क्या जानकारी है आपके पास? बस तुरंत तुरंत आपके आपके स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर आने वाले हैं। जो स्कॉलर्स होम, ये जो स्कूल है, यहां पर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है सुरक्षा व्यवस्था। आप देख रहे हैं कि पूरे सड़क को खाली करा दी गई है। बस कुछ ही सेकंड में राजनाथ सिंह इंडिया न्यूज पे आपको दिखने वाले हैं, साथ ही उनके परिवार के लोग होंगे, उनके पुत्र होंगे, उनकी पत्नी भी होंगी। और यहाँ पर आके ये देखिए राजनाथ सिंह का काफिला अंदर आता हुआ, इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो लखनऊ से सांसद हैं, उनका काफिला अंदर ये आ रहा है। ये देख रहे हैं एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं, ये काफिले की दूसरी गाड़ियां ये आ रही है। आप देखिए राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है, कतई नहीं ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव में कोई अंतर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको ट्रिपल इंजन का सरकार कह रही है। आप देख सकते हैं काफिला आपका, ये लगातार चौथी गाड़ी आ रही है, ये जैमर की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और इसके पीछे वाली गाड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ये कमांडो उतर रहे हैं उस गाड़ी से, कमांडो की पीछे वाली गाड़ी में राजनाथ सिंह यहाँ पर आ गए हैं। ये स्टे होम, ये जो स्कॉलर्स होम, जो ये स्कूल है, यहाँ पर राजनाथ सिंह बहुत ही नजदीक एकदम राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह ये गाड़ी से उतरने वाले हैं। ये देख रहे ना, साथ में उनकी पत्नी भी है जो दूसरे साइड से आ रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय गाड़ी से उतर चुके हैं और अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ ये निकल रहे हैं वोट के लिए। अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं राजनाथ सिंह वोट के लिए निकल रहे हैं और वोट के बाद ही संभावना है कि वो मीडिया वालों से बात करेंगे, बोलेंगे। आपने बहुत नजदीक से देखा होगा कि राजनाथ सिंह किस तरह से निकल रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी प्राथमिकता के तौर पर इस पूरे चुनाव को लड़ रही है और दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस चुनाव को लेकर फोकस किया है, मेहनत किया है, शायद दूसरे दल उत्तर प्रदेश के पीछे रह गए हैं। थोड़ा बहुत जो कसर है, जो मेहनत है, वो समाजवादी पार्टी पूरा करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल राजनाथ, हम लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह पहुंचे अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पल पल की अपडेट आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख रहे हो। ये महाकवरेज जो है वो लगातार जारी है। सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे लगातार बने हुए राघवेंद्र, और राघवेंद्र ने हमें बहुत करीब से तस्वीरें दिखाई है कि राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे अपनी धर्म पत्नी के साथ। हालांकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे। राघवेंद्र, हमने वो भी तस्वीरें देखी जब बीजेपी जो है जमीनी स्तर पर जाके बहुत शुरू से ही इस निकाय चुनाव में अपनी पेठ लगातार जमा रही थी, जनता के बीच जा रही थी। खुद तमाम बड़े दिग्गज जो है, सीएम योगी की बात कर ली जाए, राजनाथ सिंह की बात कर ली जाए, सभी लोग जो है वो मैदान में थे, जनता के बीच लगातार जा रहे थे। शुरू हुई है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। जी